أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف الرحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ <applause> 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 ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله محترم دوستو ایمان والو بھائیو بہنو بزرگو منقلات کے قانین ناظرین کرام खादिमफ्रा सैद निज़ामुद्दीन चिश्ती तरफ से आपको सबको असल व वरम आज के प्रोग्राम का आगाज हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम का नाम है बाअम आलिम सबसे पहले मैं अपने मेहमानों उनको खुश आमदेद कहता हूँ साहबजादाबिद हुसैन साहब असल खुश आहमदीद प्रोग्राम में वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जनाब अल्लामा अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब अलैक्म प्रोग्राम में वालेकुम अस्सलाम वरहमल व हमारे जाने पहचाने मोहतरम दोस्त मनकुला टीम का अहम हिस्सा बाबर चिश्ती साहब अलकम वालेकाम वरह ला आज की दुनिया मुख्तलिफ है आज से बीस साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो इस अरसे में इस दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया है यकीनन हर जिंदगी का हर हिस्सा इससे मुतासर हुआ है यकीन मजाहब और अध्यान भी इस आ, नए दौर में आ, एक नई शक्ल के तौर पे जो है हमारे सामने आ, पेश किए जा रहे हैं और हमें नए मसाइल और नए जद्दोजहद का सामना है इसमें सबसे अहम जो आ, मसला है के आमाय कराम आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले जो इस्लाम की ख़दमत करते थे वो तरीक़कार बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है सोशल मीडिया उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है और इसी तरीके से इसी वजह से जहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई है वहाँ पे क्वालिटी का फ़ुकदान है यानी कि कहने का मकसद ये है कि हर एक शख्स अल्लामा बना फिरता है और हर एक शख्स जो है वो अपने तौर पे आ, इस्लाम की दरसो तदरीस में लग गया है तो इसमें जो अच्छे लोग हैं जिनके पास वाकई इल्म है उनके लिए एक इंतहा से ज़्यादा मुश्किल मरहला है कि वो अपनी बात ईमान वालों तक किस तरह से पहुँचाएँ और उनके पास वसाइल की भी कमी है क्योंकि ये बात तो सही है किमा हजरा जो है उन वो सारी जिंदगी इस काम के लिए वक़्त करके रखते हैं तो उनके पास अप, अपने पास अपना एक अलग से कोई वसायल आ, हासिल करने का कोई जरिया माश नहीं होता तो इस सूरत हाल में जो उनको परेशानियों का सामना है और और मुख्तलिफ तनकीद मुख्तलिफ जो मुखालफतें उसके साथ वो नबर्द आजमा है और वो किस तरह से इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं इस बाद पे हम ये प्रोग्राम रखेंगे आज के प्रोग्राम का अहम मौजू है कि इस्लाम के नाम पर या उम्मत मुस्लिम के नाम पर किए जाने वाले चंदे की जो शरी हैसियत है हम उस पर बात करेंगे साथ रहिएगा थोड़ी देर में हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों आप हमारे प्रोग्राम के साथ हैं मैं दावत दूंगा सबसे पहले कि वो आप हमें बताएं कि एक अल्लामा जो एका एक आम लफ्ज है और हर एक जो है उसके मायने जानता भी नहीं है तो शरा तौर पे हम किन अल्लामा कहते हैं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो क्या तालीम है जिसके बाद जो है वो अलामा का लकब कोई शख्स इख्तियार कर सकता है नहमदन वली वन वसली रसूल करीम्माबाद बसमिल्लाजर जनाबला शाह साहब और दीगर अहबाब जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं और दीगर तमाम सामीन व नाजरिन कराम को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत अल्लाम आलकम वरक मैं हज करने लगा हूँ कि मेरी पहली हाजिरी है आपके साथ अहबाब ग्रामी मरतबत सामाने नाजरीन कराम प्रोग्राम मनकूल के अंदर आज जिस तरह किबला शाह साहेब ने गुफ्तु का आगाज किया है कि किलमाय कराम इस दौर में उनके लिए भी एक नया दौर है बिल्कुल जदीद तरीके तबलीग के बिल्कुल जदीद अंदाज होना चाहिए लेकिन वामाई कराम के पास इतने वसायल भी नहीं होते बहरहाल हालात के मुताबिक वो भी अपने आप को ज़माने और हालात के साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें वो लोग फिर भी आगे निकल जाते हैं कि जिनके पास वसायल तो होते हैं और वो दुनियादारी के इधर उधर के हरबे और तरीका को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं या उनके साथ ऐसे होते हैं कि जिनकी बिना पर वो उस मनसब के अहल नहीं होते लेकिन वो उस पर बैठकर अपनी चाबक दस्ती के साथ अपनी चालाकी के साथ आगे निकल जाते हैं और वो कराम जिन्होंने मुकम्मल तालीम हासिल की होती है इस सिलसिला में उनके पसाए पास अगर इतने बुनियादी वसायल नहीं होते तो वो पीछे रहते चले जाते हैं और इस सिलसिला में हमारे लिए बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन अहबाब के साथ -कराम का रता होता है यानी जिन मसाजद के अंदर वो खिदमत कर रहे होते हैं या जिन तंजीमों के साथ उनका ताल्लुक चल रहा होता है वो अक्सर तंजीमें भी ऐसी होती हैं कि जो उन कराम को बस अपना मुलाज़म समझती हैं और वो उन्हें खुल कर काम करने का मौका भी फ्राह्म नहीं होने देती इस बिना पर वो कराम अपने दायरा बस मुकै से होकर रह जाते हैं और वो खुलकर दीन का काम नहीं कर सकते लेकिन इसके साथ नुकसान क्या होता है नुकसान पूरे दिन इस्लाम का पूरी मिलत इस्लामिया का कि वो शख्स जिसने अपनी सारी जिंदगी को ए, अपना इसके लिए दीन इस्लाम के लिए वक्फ किया तालीम हासिल की उसके लिए उसने अपने आप को तैयार किया उससे कम को फायदा उठाने का मौका हम फ्राहम ना कर सके मिलत इस्लामियों को और वो लोग जो हैं जो इस काबिल न थे वो अपनी चलाकियों के बिना पर आगे निकल गए इस चीज़ को हमें फर्क करके मौा मुहैया करना चाहिए अहिल कोलमा हजरात को कि वो अपने इलम से दूसरों को मुस्तफ करें और दूसरे लोग उनसे इस्तेफादा करने की कोशिश करें और उनको वो मौाक़े मुहैया किए जाएं कि जिनकी बिना पर वो अपने इल्म से दूसरों को जो है वो फायदा पहुंचाने से का सकते बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बाकी आपने बहुत खूबसूरत बात कही ये एक हमारे कौम का और उम्मत का इलमिया है कि हम साहिब इल्मत को उनका मुकाम नहीं दे पा रहे और जिसकी वजह से मेरी नजर में एक बाम आलिम जो है वो उम्मत के ईमान का डॉक्टर है और वो जब तक के डॉक्टर को आप डॉक्टर का औहदे के मुताबिक हैसियत नहीं देंगे वो कैसे आपका इलाज कर सकते मैं जरा अब अपने मोहतरम जनाब अलामा अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब से बात करूंगा क्योंकि आप जरा मेरे सवाल को जो मैंने पहले किया था मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जो लफ्ज है उसके लिए आ, हमारे पास उम्मत मुस्लिम में क्या यानि के आ, किस तरह से वो डिग्री हासिल की जाती है कौन जो है अपने साथ लब लगा लगा सकता है अल्लाह जनाब अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब महतरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सबसे पहले शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें मिल बैठने का मौका फ्राहम किया है और मौके की नज़ाकत से जो आपने मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत जरूरी है अगर हम अपने दीने इस्लाम को देखें तो हमारे दीन का आगाज लफ्ज इक राह से होता है इक राह बिस्म रब्लाजी तो वो दीन जिस दीन का आगाज ही इलम से है कि पढ़ो और दूसरी तरफ अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि व सलाम का इशादे करामी है। मन तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए सवाल ये है कि अलामा किसे कहा जाता है आज हमारे माशरे में हर इंसान अलामा बना फिरता है ये अलामा का लफज छोटा नहीं है अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो उनमें से हमें बहुत सारे अलामा होंगे लेकिन मैं सिर्फ इक्तिसार के साथ दो का जिक्र करता हूं एक अमा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जिनको गैरों ने भी मानना था अपनों ने भी माना था कि ये आदमी पढ़ा लिखा है क्योंकि उन्होंने जिस तरह पढ़ने का हक था या इस्लाम को समझने का हक था इस तरह पहले खुद इस्लाम को सीखा फिर दूसरे लोगों तक उस कला उस इस्लाम को और उस जो कुछ सीखा था वो दूसरे लोगों तक पहुंचाया था ये अलामा बनना कोई आसान काम नहीं है हमारे जितने भी मदारस हैं उन मदारस का निसाब मुख्तलिफ है दरसे निजामी का तंजीमदारस हो वफाकुल मदारस हो वफाक उनके निजाम अपने अपने तरतीब दिए गए हैं कि ये ये किताबें पढ़ेंगे तो हम उसको अलामा कहेंगे या उसको आलिम कहेंगे लेकिन उस जितना भी निशाब तलीम हमारा था उसमें थोड़ी सी कमी ये थी कि वो इंसान जो मदरसे में दाखिल होता है वो कुरान पाक तो पढ़ता है हदीस पाक तो पढ़ता है फिका तो पढ़ता है हसूल तफसीर और हदीस तो पढ़ता है लेकिन दुनिया के इलम से वो ना बल्द होता है दुनिया कहाँ जा रही है उसको पता नहीं होता लेकिन सैयदी व मुर्शदी हजूर किबला जयालूमत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी रहमत आपने हमें वो नसाब तालीम दिया था कि जिसमें दीन के साथ साथ दुनिया वो भी इसका इलम हासिल किया जाता था और हजूर जयालुम्मत रहमत अक्सर फरमाया करते थे मैं चाहता हूं मेरे तालब इलम की दोनों आंखें रोशन हो बेशक दीन की आंख भी रोशन हो दुनिया की आंख भी रोशन हो दीन का मामला आए कुरानो हदीस को वो बयान करे दीन का मामला आए लोगों को तफसीर बयान करे लेकिन जब दुनिया की आंखों में आंखें डालने का वक्त आए उसको इंग्लिश भी आती हो वो माहिर माशियात भी हो उसने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई हो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाला हमने दारूम में दीनी उलूम के साथ साथ उलूम भी हासिल किए हैं ये एक आलम के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है लेकिन अफसोस आज इलम को नहीं देखा जाता आज जहरी नमूदो नमाइश को देखा जाता है आज मसनू बनावट को देखा जाता है आज जराए को देखा जाता है जिसके पास पैसा हो उसको हम अलामा साहब भी कहते हैं जिसके पास नमूदो नमाइश है उसको हम अलामा भी कहते हैं इसका माशरे में क्या नुकसान होता है माशरे में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो इंसान जिसने कम अज कम दस पंद्रह साल एक चटाई के ऊपर बैठकर जी हां कहा नदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की तालीम आजल की होती है जो दीन का सही वारिस होता है जो दीन को सही लोगों तक पहुंचा सकता है बिल्कुल सही फरमाया तो चिश्ती साहब हमारे साथ जो है मनकुला टीम के जनाब वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम भट्टी साहब पाकिस्तान से ऑनलाइन हो गए वेलकम मोहम्मद सलीम भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपने बड़ा तफसीली बयान फरमाया का मतलब यानी कि किसी भी साहिब मुकाम या साहिब इल्म के दरगाह पे हाज़िरी दे के उससे हासिल करना और एक मदरसे से एक सनद हासिल करना जो है वो ही अल्लामा का लकब इस्तेमाल इख्तियार कर सकते हैं बग़ैर किसी यानी कि इल्म हासिल किए बगैर आप Uh, कोई कोई किसी को इजाजत नहीं है कि वो अल्लामा का लगा भी मैं जब जामिया जाम में पढ़ता था तो एक दिन मैं किताब पढ़ रहा था तो किताब पढ़ते पढ़ते उसका हाशिया दिया हुआ था नीचे कि ये चीज उन्होंने मुल्ला अब्दुल हकीम सियाल कोटी से ली है सुमहान वो मुल्ला अब्दुल हकीम सियाल कोटी कितने आलम होंगे कि जिनका रेफरेंस अहले जुबान अरबी भी अपनी किताबों में दे रही है सुबानला, सुबानला, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है माशा ये हमारे लिए साबित हो गया कि एक अल्लामा एक मेहनत मुशक्कत और वो दुनियावी तालीम की तरह उतनी मेहनत और मुशक्कत करके वो का सनद हासिल की जाती है जितनी कोई मास्टर या पीएचडी की डिग्री हासिल की जाती है इसको कम समझना जो है ना वो नादानिया और यूरोप में मदारस और मस्जिदों के क़याम के लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद करी जिसमें बाबर चिश्ती और मोहम्मद सलीम भट्टी का नाम बहुत काबिल तारीफ़ है और एक मुक़ाम रखता है मैं बाबर चश्ती साहब को दावत दूंगा कि वो मुख्तसरा बताएं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या उन्होंने ऐसी खिदमत अंजाम दी कि जिसका जिसका रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा जिसकी वजह से बाबर चिश् जनाब एक तो मेरी आवाज वो फोन के बाद बहुत डिम हो गई है तो मैं थोड़ा सा समझ तो गया हूँ आपका सवाल और मैं गुजारिश भी करता हूँ माशाए कराम जो हक है जो हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह ये खुशबकती है कि सबसे पहले जर्मन की सरजमीन में साहबजादा आबद हुसैन आबद साहब तशीफ लाए थे आपने अदाराग पागद दुरा, की बुनियाद रखी ये बानियान कराम में से हैं तो इनकी ख़िदमत खदम अदारा पागद से लेकर बर्लिन की मोहम्मदी मस्जिद तक पाक मोहम्मदी मस्जिद तक जारी वो सारी रही है और अभी भी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर के हमें जर्मनी में आकर अपने उलमाय कराम से जो ल हासिल किया हमने इनके कदमों में बैठ के जो कुछ भी हमने सुना माशाल्लाह उससे एक तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब आया उसके बाद फिर जब हम मस्जिदों से अटैच हो गए तो अल्लाह तबा तक ने अपनी तोफीक के तहत हमारे से बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जो हमारी ताकत से बढ़कर थे यानी कि हमारी हैसियत इतनी थी जितना अल्लाह तबा ने करम फरमा के हम साथियों से जो इंतज़ामिया के अंदर मौजूद थे पागदार की बहुत सारी खदमात दी है और इसी इंतजामिया को यह हक जाता है कि पाकिस्तान की सरजमीन से दार मोहम्मदिया गौसिया से माशालामाय कर तशरीफ लाते रहे और मुख्तलिफ मसाजन में वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं और काम कर रहे हैं ये तो बात बिल्कुल बजा है कि हक और सच के साथ जोाय सू भी हैं जैसे चशीसा फरमा रहे थे कि आज के दौर में जो फकदान हमें मिलता है हक का भी जो है ना जो हमारे वो भी इस वक्त हालात के पेश नजर जैसे आपने भी फरमाया मजबूर होकर रह गए मुक्त होकर रह गए क्योंकि वो एटमोसफियर जो होनी चाहिए थी वो तो बिल्कुल ब्लॉक होकर रह गई है एक कोरोना की वजह से दूसरे यूरोप के हालात की वजह से तीसरा ये है कि जिस तरीके से हमारे कराम को काम करना चाहिए था मेरी नज़र में वो काम जर्मनी की सरजमीन हो या कोई भी दियारे गार की सरजमीन होमाय कराम से वो काम ना हो पाया जो कि होना चाहिए था उसमें ये है कि ज़हर बात है जहाँ पर भी दिन जाते हैं वो अपनी ताकत के मुताबिक बच्चों को देते हैं कुरान तालीम से बराबर फरमाते हैं फिका हदीस वगैरह पढ़ाते हैं मगर यह है कि जैसे एक होता है ना कि बंदा आलम दिन से बाकायदा तौर पर टाइटल लेकर फारग होता है जैसे ये मारे कराम दारमदिया गौसिया से अपनी डिग्री लेकर निकले थे नहीं। नहीं। तो यहाँ पर डिग्रियाँ देना तो बहुत मुश्किल काम है मगर कम अज कम इस चीज़ की तो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि एक बच्चा अगर मस्जिद में आता तो वो कभी किसी वक्त में इनकी सोबत में बैठ के आलम दीन बन जाए या हाफज कुरान बन जाए इस किस्म की जो चीजें है ना उनसे हम महरूम है तो ये एक बहुत ये बात आप है, बात आपकी जिसको हाँ। पुर करना मेरा ख्याल है नजाम साहब वो हमत इसके ऊपर बहुत सारा वर्क होना चाहिए और ये असल में हमारा क्या कहते हैं जो जिसको सील कहते हैं जर्मन मंजिल होनी चाहिए जहाँ पर हमारे हैं तो 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 अपनी सलाहियत पे कार लाते हुए हमारे बच्चों को कम अज कम दीन की ऐसी तालीम दे दें कि हमें फखर करना पड़ेगा जिससे ये चीज बहर इसके ऊपर ये रोशनी डाल सकते हैं मगर हमने जहाँ तक देखा है इन्होंने अपनी ड्यूटी तो सर अंजाम दी है बाकायदगी सो दे रहे हैं

बहुत बहुत मेहरबानी नवाजस् मैं आज करता हूँ कि बुनियादी तौर तो पर तो तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के साथ बचपन से ही मोहब्बत थी और जब हम जर्मनी में पहुंचे फ्रैंकों ने वो मस्जिद पाकदार से मुंसलिक हुए तो यकीन ये शौक बड़ा नमाज का बाद का कुरान पाक समझने का तो फिर इसी तरीके से मस्जिद की खिदमत करने का भी मौका मिला तो हमने असदराज तक अपनी खिदमत मस्ज के लिए वक्फी किए रखी हैं अभी हम मस्जिद के लिए की हुई लेकिन अब हम मस्जिद की मैनेजमेंट के बहुत कम हमारा हिस्सा होता है लेकिन जो खिदमत है बरकरार है जैसे कि नमाज रोजा और बाकी की जो भी हमारे दीन की बहुत शुक्रिया बातिया बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम साहब बहुत शुक्रिया बाबर भाई दोबारा शामिल हो गए उनकी आवाज़ कट गई थी चले अः हमारे पीर मुर्शद ने हमेशा अर्ज किया है कि किसी दूसरे से मांगने से पहले जो शख़्स अपने वसायल बुरोए कार लाकर उस मक़सद के लिए काम नहीं करता है तो इसका मकसद है कि उसको उस बड़े मकसद पे ख़ुद भी यकीन नहीं है अगर मैं किसी सफ़र पे निकला हूँ और मुझे पता है कि उस सफ़र के अख्ताम पे मुझे मंजिल मिलेगी और मैं उसके लिए अपने तमाम वसायल बर कार नहीं आ रहा हूँ तो इसका मकसद है मुझे मंजिल पर पहुंचने का ख़ुद भी यकीन नहीं है तो यही सूरत हाल है इस तरह से कि बाबर चिश्ती साहब ने और मोहम्मद सलीम भट्टी साहब ने आ, मैं अपना जिक्र इस मुकाम पर नहीं करूँगा इन्होंने सारी ज़िंदियाँ अपनी वफ़ करी हैं उस मकसद को हासिल करने के लिए उस क, आ, लोगों तक इस्लाम की तालीम को पहुँचाने के लिए लेकिन सूरत हाल यहाँ पर दूसरी आ गई है अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरे पास अच्छा लाखों रुपए हजारों रुपए जेब में रखे हुए हैं लेकिन जैसे ही मुझे ख्याल आता है कि यार आ, ये उम्मत मुस्लिमों के लिए या कम्युनिटी के लिए कोई काम है तो मैं फोरी तौर पर चंदे की टोपी निकाल के या चंदे की थैली निकाल के चंदा निकाल आ, लेने के लिए खड़ा हो जाता हूँ और मैं पूछता हूं कि भाई यार आ, ये तो अगर एक एक शख्स जो आपसे चंदा मांग रहा है या मुझसे चंदा मांग रहा है और ज, जिसने अभी तक अपनी जेब से एक पैसा या अपने आ, अपने वसाइल उस पर नहीं लगाए हैं तो इसका मकसद है कि उसको खुद भी यकीन नहीं है आ, उस मकसद के लिए तो सबसे पहला हक किसी भी चंदे मांगने वाले का फिर वुरशद के दाता सैयद अमीरुद्दीन चिश्ती के फरमान के मुताबिक यही है कि सबसे पहले वो अपने वसायल को बरो कार लाए और जब उसके वसाइल खुदा न खास्ता कम पड़ जाएं तो फिर वो किसी से मांग सकता है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उलट हो रहा है कि हम लोग जो है अपने वसायल बरो नहीं लाते और वो मत मुस्लिमों के लिए चंदे मांगते हैं जिसकी वजह से हमारी खास खास पर कम्यूनिटी का बहुत नुकसान हो रहा है इस सिलसिले में मैं जनाब आबिद हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें बताएं कि चंदे मांगने के लिए जो या चंदा चंदा मुहिम के लिए क्या शर्या मैं इसके बाद अर्ज करना चाहूंगा कि वो कानूनी अहकाम है, क्या हैं यहाँ पर मैं वो उसकी भी बात करता हूँ जी जनाब सैयद आबिद हुसैन साहब मोहतरम आपने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है ये बहुत ही अहम बात है कि बेशक हमारा दीन तालीम देता है सदका जारिया की और दीन इस्लाम के जितने भी काम हैं वो तालीम को आगे बढ़ाने का सिलसिला है तबलीग दीन का है या उम्मत मुसलिमा के साथ रिफ़ाही कामों का है सब का सब सदका जारिया में आता है लेकिन मसला यही है कि आज हमने इन तमाम रफाही कामों को और दीन की तबलीगत मदारस और मसाजद की तमीर या इनको चलाने को अपने अपने लिए जरिया रोजगार और जरिया मीशत बना लिया है कि बस एक नाम रखें और दो चार ईटें रख कर बुनियाद रख दें ज्यादा से ज्यादा अक्सर तो वो भी नहीं करते सिर्फ अपनी चालाकी के बिना पर आज के दौर के मुताबिक एक मुहिम चलाई अपना जो है वो व्हाट्सएप पर दूसरी तरफ को दो चार इश्तिहार छापे दो चार आदमियों को साथ लिया और एक मुहिम बनाकर चल पड़े कि हमने ये मस्जिद तामीर शुरू कर दिया है हमने मदरसा बनाना शुरू कर दिया है हमने यतीम खाना शुरू कर दिया है हमने ये किया वो किया हॉस्पिटल की बुनियाद रख दी है तो ये सारी बातें जब इनके पीछे जाकर तकीक की जाती है तो वो झूठ निकलती हैं या उनमें फ्रॉड निकलता है तो हमारे लिए एज ए मुस्लिम एज ए मोमिन एज ए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के इंतहाई शर्मिंदगी का बायस बनती है कहे जाए कि हम अपनी जेब से अपने अल्लाह की राह में ये माल खर्च करें हम दूसरों की जेब से निकाल कर अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं तो इस बिना पर ना हमारा अखलाकी कानून इजाजत देता है ना शरीयत की तालीम इजाजत देती है और ना ही किसी मुलक का कानून इनके लिए बुनियादी तौर पर जो शराय है वो यही है कि अगर एक कानून का एक मुलक का बाशिंदा है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए फिर वो जी तौर पर अगर कोई इंतजामिया बना रहा है तो उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो और उस रजिस्ट्रेशन को अपने साथ लेकर चले ताकि जब कोई भी इंसान उससे कोई सवाल करे वो उसके सामने पेश कर सके और जरूर उससे हिसाब मांगा जाए तो वो हिसाब देने के लिए भी तैयार हो लेकिन अक्सर उस मौका पर जाके कले ही खुलती है कि ये साहेबा क्या करते रहे हैं किस तरह चंदा बटोरते रहे हैं और इसको कहाँ लगाते रहे हैं जब उससे हिसाब की बात की जाती है तो फिर वहां जाकर कल ही खुल जाती है कि साहब ने क्या किया कहाँ इकट्ठा किया किधर लगाया तो अल्लाह तबारक व तआला से पहले तो हमें ये तौफीक भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए नेकी के काम की तो हमें उसके मुताबिक खुद भी अमल की तौफीक अता हो जहां पर, पर अल्लाह पाक ने यह फरमाया है ना या अय्युहल लजीना आमनू कोलू खुद जो जब हम तीनों चीजों को मिला के देखते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि जो तुम्हारा माल है वो माल हलाल का होना चाहिए फिर ही तुम्हारे शुक्र और तुम्हारी इबादत की अल्लाह के यहाँ कुछ ना कुछ मकाम बनेगा कोई कबूलियत का रास्ता निकलेगा बहुत शुक्रिया। अता फरमाए कि अपनी कमजोरियों को हम दूर करने की कोशिश करें ये बहुत फर्माया, बजा फरमाया बजा फरमाया ये सबसे अहमियत हम, की जरूरत है साहबजादा साहब बहुत शुक्रिया ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि चंदा देने वाला के लिए ये जरूरत है कि वो अपने हलाल आ, माल से हलाल वसाइल से चंदा दे और जब भी वो कबूल होगा नाजरी ने करा डॉट कॉम एक जर्मनी फ्रेंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुँचाता है हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पर मनकुलात के नाम से आप देख सकते हैं यूट्यूब पर मनकुलात के प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बावक बरखबर रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए